Welcome to RSST online class, class 3rd, children, chapter 6. In my previous video, we have discussed about our country. In brief, India is surrounded by Himalayan ranges in the north and edged by endless and stretched on vast beaches throughout its eastern and western borders. To the north of India stands the mighty Himalayas. The North Plains are flat lands formed by the fertile soil left behind by the Himalayan rivers. The southern part of India is triangular in shape and is surrounded by seas on three sides. The northwestern part of our country is covered with sand. It is known as Thar Desert. Now children, आप लोगों के हाफ ईयरली कोर्स में 9 चैप्टर तक आने हैं और ये 6 चैप्टर मैं बता रही हूँ. फर्स्ट और सेकंड लेसन आपके यूनिट टेस्ट में आ चुके हैं, वो नहीं आएंगे. एंड प्रोजेक्ट वर्क अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो प्लीज़ सबमिट, ये मस्ट है. 10 मार्क्स आपके जुड़ने हैं इसी हाफ ईयरली में. सो चिल्ड्रेन, और आपके टिक मार्क्स और वन वर्ड आंसर ही आएंगे, इसलिए इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं. तो चिल्ड्रन, हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट मेक्स इंडिया अ ब्यूटीफुल कंट्री? इंडिया को ब्यूटीफुल कंट्री कौन बनाता है? तो आप माउंटेन, रिवर्स और डिज़र्ट, ये नाम दे सकते हैं. तो आप वन वर्ड में जब पूछा जाएगा तो आप दे दीजिएगा, बट यहाँ पर आपको सिर्फ माउंटेन, रिवर और डिज़र्ट आप दे दीजिए. नेम द टू आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, तो जानते हैं आप अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में देखिए. इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 7th. टिक करेंगे. लक्षद्वीप आइसलैंड लाइन द अरेबियन सिया. दिस ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, तो इंडियन. देन सी नंबर पर आइए. सर्किल द करेक्ट वर्ड्स. इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. 7th में कक को सर्किल करिए. देन गंगा रिवर राइजेज इन द हिमालयाज, गंगा पे सर्किल करना है. द लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सिया, टिक करिए इसको. माउंट एवरेस्ट इन एन इम्पॉर्टेंट पीक इन हिमालयाज, हिमालयाज पर टिक करेंगे. नाउ सेकेंड देखिए, सेक्शन सेकेंड में फिल इन द ब्लैंक्स. Thar Desert lies in the in Rajasthan. Himalayas are located in the northern part of India. The mountains covers the largest part of our country. Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea. ठीक है. Now true and false. Our country is a small country. False. हमारी country तो बहुत बड़ी है. The Himalayas are in the south. False. North में है Himalayas. The Ganga flows in the northern place. True. The Thar Desert in the Rajasthan. True. तो आपको FF फिर TT डालना है. मैच द फॉलोइंग में देखिए. The Himalayas तो north में है, आप north में करिए. The Thar Desert Rajasthan, लक्षद्वीप, the Arabian Sea, the Deccan Plateau, the northern Deccan Plateau में triangular, Ganga northern plain. ठीक है. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखिए. व्हाट इज़ अ फिजिकल मैप? तो बेटा फिजिकल मैप का देखिए पेज नंबर 31 पे, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है, 6 पे देखिए. ये देखिए, यहाँ पर देखिए. अ फिजिकल मैप शोज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा. ये देख रहे हैं आप. अ फिजिकल मैप शोज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड रिवर्स, ये आपको देना है. सेकेंड में देखिए, नेम थ्री रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. तो थ्री मत दीजिए आप, दो ही नाम दीजिए, गंगा एंड यमुना. ठीक है, तो नेम टू रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा एंड यमुना. ओके, okay.
सॉरी चिल्ड्रन, नेम टू रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. तो आपका गंगा एंड यमुना देना है, क्योंकि आपको वन वर्ड देने हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना रहेगा. एंड नाउ चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं. आप इसको, ये थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे लिखवाने में, सो उसके रीज़न देना है कि वाई आर नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे डेंसली पॉपुलेटेड, वाई इज़ अ डेजर्ट थिनली पॉपुलेटेड, हाउ इज माउंटेन डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेट्यू. तो ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लॉन्ग हो जाएगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है. इसको एक वन वर्ड आंसर में कन्वर्ट करके या फिर छोटे छोटे आप चैप्टर रीड कर लीजिए उसी